तुम मत रहिए उदास क्योंकि अब आगे इंग्लिश पिक्चर लेकर और आप का स्वागत से करते हैं। चलिए आज देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, है ना। कुछ सेंटेंस आपको दिया रहेगा और उसको ट्रांसफॉर्म करना है ना। इसका मतलब है कि ऐसा सेंटेंस बनाना है जो दोनों का मीनिंग क्या हो, इक्वल हो, है ना। जैसे कि हम लोग बनाते हैं एक्टिव का पैसिव, तो क्या होता है कि एक्टिव का जो मीनिंग होगा वो पैसिव का भी होना चाहिए। हम लोग बनाते हैं डिग्री, पॉजिटिव का कंपैरेटिव फिर सुपरलेटिव, तो क्या होता है कि सबका मीनिंग इक्वल होना चाहिए। हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते हैं डायरेक्शन में, है ना। तो सबका मीनिंग क्या होता है, इक्वल होता है, तो यहां भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनेगा, सबका ट्रिक है, मैं बताऊंगा आपको। चलिए देखा जाए, तो पहला देखा जाए अफर्मेटिव का क्या बनाना है जी, निगेटिव। हाँ याद रहे, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या बनाना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनेगा थोड़ा सा देखा जाए। चलिए तो पहला आपका सेंटेंस है यू आर रिच, मैंने क्या लिखा, यू आर रिच। तो इसका बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, तो देखते हैं थोड़ा सा कोशिश करते हैं हम भी। यू आर नॉट रिच, चलिए निगेटिव बोला तो नॉट लगा दिया मैंने। एक मिनट, दोनों का मीनिंग क्या इक्वल है, थोड़ा सा देखा जाए। यहां क्या बोल रहा है, तुम अमीर हो, और यहां पर क्या बोल रहा है, यू आर नॉट रिच, तुम अमीर नहीं हो। तो क्या मीनिंग इक्वल है, नहीं। तो ये आपका रॉन्ग है। राइट क्या होगा देखा जाए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर जो भी रिच हो, पुअर हो, टॉल हो, कोई भी एडजेक्टिव हो, उसका अपोजिट वर्ड जो होगा ना, पहले उसको लिखेंगे। हाँ, उसका अपोजिट करेंगे। जैसे कि यहां पर रिच है तो रिच का क्या होगा, पुअर। लिखा हुआ है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का क्या होगा, डिसऑनेस्ट, है ना। लिखा हुआ है टॉल, टॉल का क्या होगा, ठीक, सॉरी स्मॉल, ठीक है। तो ऐसा आपका अपोजिट वर्ड को लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है तो देखा जाए। देखिए पहले इसको पहले हटाते हैं पहले इसको, हाँ देखेंगे यू, यू आर, ठीक। अब क्या करना है, निगेटिव के लिए आपको नॉट लगाना पड़ेगा, लेकिन इस एडजेक्टिव का अपोजिट वर्ड भी होना चाहिए। कैसे देखा जाए, यू आर नॉट लगाया, ठीक, और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, रिच का क्या होगा, पुअर। तो मैंने लिखा पुअर, अब दोनों का मीनिंग मिलाई दो, यू आर रिच, तुम अमीर हो। अब क्या बोल रहा, यू आर नॉट पुअर, तुम गरीब नहीं हो। इट मीन्स क्या कि आप क्या है, अमीर है ना, मीन क्या है, इक्वल है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे देखा जाए, आई एम इनोसेंट, हाँ आई एम इनोसेंट, तो अब देखा जाए कि मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं, ऐसा बना देंगे आई एम नॉट इनोसेंट। मीन्स क्या कि मैं निर्दोष नहीं हूं, कहां मीनिंग इक्वल होगा। तो आपको देखना है कि सबसे पहले एक मिनट, इनोसेंट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, गिल्टी, मीन्स क्या, दोषी, और यहां पर क्या है, निर्दोष, ठीक है। तो देखिए आई एम नॉट लगाना पड़ेगा ना, हाँ नॉट लगाएंगे, और इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा आपका, गिल्टी। तो बन गया, इसका मीनिंग क्या हुआ, मैं दोषी नहीं हूं। तो मतलब क्या है, आप क्या है, इनोसेंट है, निर्दोष है, तो दोनों का मीनिंग क्या हुआ, इक्वल हुआ। ऐसे बनता है, कुछ और भी रूल है इसको देखा जाए, या आपसे क्या होंगे, अच्छा ऐसे बोलेगा आई एम ऑनेस्ट, क्या होगा, आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, क्लियर। अब आगे बढ़िए, चलिए अब आगे देखा जाए, अगला हो रहा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कहां चेंज करना है, असर्टिव सेंटेंस में। हाँ, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कहां चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। और एक्सक्लामेटरी जो होता है वो सडन फीलिंग को शो करता है, और उसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है, ऐसा ये वाला, ठीक है, ऐसा सब जगह लगा रहेगा, और ये सडन फीलिंग को शो करता है। तो ये कैसे बनेगा, एकदम बढ़िया से कहा जाए, रोने की बात नहीं है, बढ़िया से कहा जाए। चलिए तो बोल रहा है व्हाट अ बिग हाउस, है ना, व्हाट अ बिग हाउस, हाउ नाइस, ठीक है। कैसे बनेगा देखा जाए, कभी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा ना तो उसका स्टार्टिंग जो है इट इज से करना है, किससे, याद रहे इट इज से, हाँ तो क्या लिखेंगे, इट इज, मैंने इतना लिखा, कोई दिक्कत, आप भी लिख सकते हैं इट इज। कभी भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा उसका स्टार्टिंग इट इज से करेंगे, याद रहे। चलिए मैंने किया, उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपका डब्ल्यूएच वर्ड होता है, जैसे व्हाट एंड हाउ, ठीक है। तो क्या करेंगे, व्हाट हो
या आपका हाउ हो, ठीक है, आपका यहां पर व्हाट हो या हाउ हो, दोनों को है ना कहां चेंज करेंगे, वेरी में। याद रहे आपका अगर डब्ल्यूच वर्ड व्हाट हो या हाउ हो उसको रिप्लेस करके, उसको चेंज करके क्या लिखेंगे उसके प्लेस पर, वेरी। क्या लिखेंगे, वेरी। याद रहे वेरी, ठीक है। तो देखा यार, इट इज मैंने लिखा, ठीक, इट इज अ, ठीक है, और व्हाट के प्लेस पर क्या लिखेंगे, वेरी, वेरी, ठीक है, बिग का बिग, हाउस का हाउस। तो क्या माना, इट इज अ वेरी बिग हाउस। आप किसी के घर को देखकर चौंक गए और आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट अ बिग हाउस, इसका मतलब क्या है, इट इज अ वेरी बिग हाउस, ठीक है, क्लियर। एक और देखा जाए इस पर, हाउ नाइस बोला है, क्या बोला जी, हाउ नाइस बोला है, ये कैसे बनेगा, ये आप बनाएंगे इस बार, इस बार आप बनाएंगे। चलिए देखा जाए, तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले लगाएंगे इट इज, लगाइए इट इज, लगाया इट इज, इट इज लगा दिया। अब बताइए थोड़ा सा, इट इज आपने लगाया, तो इट इज लगाया तो हाउ को कहां चेंज करेंगे, वेरी में। हाउ को कहां चेंज करेंगे, वेरी में। तो इट इज वेरी और नाइस का नाइस और लास्ट में फुल स्टॉप, कोई दिक्कत है क्या, इजी है ना, है ना इजी। तब अब आगे बढ़ेंगे, चलिए अब अगला क्या बोल रहा, अगला क्या बोल रहा देखा जाए, इंट्रोगेटिव को कहां चेंज करना है, असर्टिव में। देखिए इस बार इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, और उसको कहां चेंज करना है आपको, तो असर्टिव सेंटेंस में, जिसके लास्ट में फुल स्टॉप होगा और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए, आर यू अ स्टूडेंट, है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा भी है। इसका बनाने का ट्रिक है, क्या बोल रहा है, परीक्षा होने पहले असर्टिव बोल रहा है, इसका मतलब कि असर्टिव में पहले सब्जेक्ट हुआ करता है ना, और इंट्रोगेटिव में क्या होगा आपका, वर्ब हुआ करता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो हमको बनाना है असर्टिव, तो क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू, यू लिखा, ठीक, यू के बाद क्या, आर इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, है ना, तो यू आर। याद रहे कभी भी इंट्रोगेटिव का असर्टिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि इंट्रोगेटिव में अगर नॉट नहीं लगा होगा तो इधर नॉट लगा देंगे, अगर इंट्रोगेटिव में अगर नॉट अगर लगा रहेगा तो यहां आकर नॉट को हटा देंगे। एक बार फिर से, इंट्रोगेटिव में अगर नॉट नहीं लगा रहेगा, ठीक है, तो यहां पर नॉट लगा देंगे, अगर लगा रहेगा इसमें नॉट पहले से तो यहां पर आकर हटा देंगे, बस यही ट्रिक है। तो देखा जाए, यू आर, नॉट लगा हुआ रहेगा तो लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, लास्ट में फुल स्टॉप, हो गया, कोई दिक्कत, कितना बढ़िया से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अब आराम से आगे बढ़ेंगे, देखा जाए अगला बोल रहा है, आर यू नॉट अ स्टूडेंट। अब देखिए इंट्रोगेटिव है और इसमें नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इधर नॉट हम नहीं लगाने वाले हैं, तो क्या करेंगे, पहले यू को लिखेंगे ना, यू को लिखेंगे ना, तो यू को मैंने लिखा यू आर, ठीक है, और नॉट है तो यहां पर नॉट नहीं आएगा फिर से, तो यू आर ए स्टूडेंट, चलिए लास्ट में फुल स्टॉप। अब आगे देखा जाए, अगला क्या है, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, कैन यू सिंग ए सॉन्ग, है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू लिखेंगे, ठीक है, कैन इधर आ जाएगा, ठीक है, तो कैन इधर आ गया। अब हमको यह बात रही है, इसमें नॉट लगा हुआ है, नहीं ना, तो नॉट लगाएंगे ना, हाँ लगाएंगे, तो कैन का इसका कांट कर दीजिए, कांट, ठीक है, यू कांट सिंग ए सॉन्ग, बन गया फुल स्टॉप। आपने देखा ना कितना इजी था, देखिए पहले आपने क्या सीखा, अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाना, फिर आपने क्या सीखा, एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव बनाना, फिर आपने क्या सीखा, इंट्रोगेटिव का असर्टिव बनाना। बोलिए ये ट्रिक आपको कैसा लगा, है ना, और ऐसा ऐसा एग्जांपल बहुत आप अपने से बना सकते हैं, है ना, मेन ट्रिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है। चलिए तो वीडियो को आप देखेंगे बढ़िया से इसको, और शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है, जय हो जय हिंद।